हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा शेयर करूँगा। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पर डाली थी। जो लोग ओला उबर में गाड़ी अटैच करना चाहते हैं और ओला उबर में क्या मतलब इनकम है, किस तरीके से उसमें काम है, और क्या एक्चुअल में उस ओला उबर में बिजनेस है, या उसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लॉस वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, उसमें मैंने वीडियो में सारा डिफाइन किया था, एक एक कैलकुलेशन, काफ़ी मेहनत करके वो वीडियो मैंने तैयार की थी, जिससे कि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। और उस वीडियो से काफ़ी दोस्तों को फ़ायदा भी हुआ, तो काफ़ी दोस्त जो दोस्त हैं वो नाराज़ भी हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का यही कारण है कि उन्होंने जो कमेंट किए हुए हैं, कुछ उन्हें गंदे भी कमेंट किए हुए हैं, तो मैं उनकी जो बुद्धि है, जो उनके दिमाग में गंदगी है, उसको साफ़ करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उनके कमेंट्स को ही इसमें आंसर करूँगा। बाकी मैंने उस वीडियो में सारा का सारा डिफाइन कर रखा है। अगर जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन में जाके चेक कर सकता है, और पूरी डिस्क्रिप्शन और होल इन्फॉर्मेशन के साथ वो मैंने बनाई है। तो दोस्तों, कुछ मैसेज हैं, कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको शेयर करूंगा और उनका आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप उस चीज़ को समझ पाओ। पहला मैसेज है दोस्तों, फिर लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं, सभी बेवकूफ़ हैं क्या? इनका नाम है विजय प्रकाश। तो दोस्तों, विजय प्रकाश अगर इस वीडियो को देखें तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, वास्तव में उनकी रियलिटी उन्हीं से पूछो कि उनका बैक क्या है और किस कंडीशन में वो चला रहे हैं। ऐसे किसी को भी देख के ये अंदाज़ा लगा लेना कि वो चला रहा है तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसा आपका मानना गलत है। तो आप उसे पर्सनली सर्वाइव कैसे कर रहा है वो, उसके बारे में जजमेंट करने से पहले उससे बात करो, तब आपको क्लियर कट होगा। एक भाई लिख रहे हैं, दिस सिंग्स भाई, कैलकुलेशन गलत है, तुमने तो गाड़ी के 5 साल के पैसे एक ही साल में जोड़ दिए। भैया, क्या कैलकुलेशन करके आप वो बना रहे हो, पागल बना रहे हो? तो दोस्तों, मैंने 1 ईयर को निकाल के सेकंड ईयर के जो खर्चे थे वो मैंने पर ईयर और मंथ के हिसाब से निकाला है। अब जब सबको मर्ज कर दोगे तो मैंने 5 साल के लास्ट में कैलकुलेशन निकाली। अगर आपको मैथ के बारे में जानकारी होगी तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो डेटा मैंने कैलकुलेट किया है वो पर मंथ, पर डे और ईयर के हिसाब से वैल्यू निकाली है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को ही वैल्यू निकाली जाती है, उसको पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू में निकालना जरूरी होता है, जब भी वो उसकी होल वैल्यू निकल पाती है। दोस्तों, तो आपको शायद वीडियो की कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, तो उसके लिए सॉरी दोस्त। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आती तो आप भी प्रैक्टिकली इस बिजनेस को करके देखना, शायद तब आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, ना ही मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये था अपना एक्सपीरियंस और अनुभव आपके साथ शेयर करना, जो आपके काम आ सकता है। और आपको नहीं सही लगता तो एज योर विश, आप अपना काम करने के लिए आज़ाद हो। एक दोस्त हैं JLM, उन्होंने गुड एजुकेशन स्पीच बोला है। भाई, कैलकुलेशन सही है क्या? फिर तो कुछ बचा नहीं। दोस्त, बिल्कुल कैलकुलेशन एकदम 100 आने ठीक है। ये लीस्ट ऑफ द वैल्यू पे लगाई गई कैलकुलेशन है, इसमें आपका घाटा बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। क्योंकि ये मैंने कम से कम रेंज में इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, तो मान के चलाऊं मैं इतना इतना इतना। तो दोस्तों, अब जब इसको प्रैक्टिकली करोगे तो इससे वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। भाई, अगर मैं इनकी लीज की गाड़ी लेकर चलाने में फायदा है, तो दोस्तों मैं आपको लीज की गाड़ी खरीदने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें भी आपको 50,000 60,000 रुपये पहले जमा करने होंगे, और मंथली या वीकली सॉरी वीकली आपको 5-6 हज़ार रुपये की ये किस्तें आपसे काटेंगे, और जो ही आपको 20-25 हज़ार रुपये मंथली की किस्त पड़ेगी, और आपको होल
तीसों दिन गाड़ी चलानी पड़ेगी अंडर प्रेशर। तो दोस्त लीज की गाड़ी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आपकी बुद्धि है, आपका एनालिसिस है, आप देख सकते हो। तो एक है इंद्र सरोज, मैं भी सोच रहा था, बहुत अच्छा हुआ आपकी वीडियो देख के, थैंक यू भैया वेरी मच। तो दोस्त थैंक इंद्र सरोज जो आप मेरी इंफॉर्मेशन को समझ सके और अपने जीवन को बचा सके। भाई अगर एज ए ड्राइवर काम करें तो ठीक रहेगा, किसी के पास कार है उस उबर में पहले से, मुझे बस चलानी है 6-7 महीने के लिए। दोस्तों अगर आप किसी के पास एज ए ड्राइवर जॉब करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं लगना, जितना आप वर्क करोगे आपको उतना पे मिल जाएगा। अगर आपको घाटा लग रहा होगा तो आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में छोड़ सकते हो, आपके ऊपर अंडर प्रेशर कुछ नहीं होगा, लोन नहीं होगा, आप चला सकते हो बिल्कुल, अगर आप चलाना चाहते हो तो। एक और भाई हैं शहबाज खान, कह रहे कैलकुलेशन सही नहीं है। दोस्त आप अपने हिसाब से लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। सेकंड हैंड अगर गाड़ी ली जाए तो दोस्तों, सेकंड हैंड गाड़ी का मतलब ये है कि अगर इस क्राइटेरिया में आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं पता कि वो क्या परफॉर्म करेगी, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको इस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। एक भाई कह रहे हैं म्यूजिक हाउस, जो मेरे हिसाब से जिसको कोई मतलब नहीं है, वो भी मैसेज कर रहे हैं मैथ्स बहुत कमज़ोर है। दोस्त मेरी मैथ कमज़ोर है, आपकी अच्छी होगी, आप कैलकुलेशन लगा लीजिए। अमित राठौर, गाड़ी में जब इतना लॉस है तो फिर तो सब गाड़ी बेकार हैं ही चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्या उनके घर वालों को और कोई खिला रहा है? तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पहले भी क्वेश्चन में मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर आपको कुछ भी शक होता है तो जो चला रहे हैं उनके साथ आप बैठ के और भी प्रैक्टिकली उनसे सजेस्ट लीजिए, और नहीं यकीन आता तो आप किसी की गाड़ी ले के चला के देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर जब भी आपको यकीन नहीं होता तो आप अपनी गाड़ी ले के चला सकते हो। भाई कोई भी काम करोगे रिस्क समय होता है, कोई भी काम बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है, लॉस प्रॉफिट लगा रहता है। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हमें पहले से डिक्लेयर हो कि ये कि दिस बिजनेस विल प्रोवाइड ओनली द लॉस, देन अगर हम उस बिजनेस में जाते हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये बिजनेस अब नया बिजनेस है नहीं, इस बिजनेस को बहुत लोगों ने एनालाइज करके कर चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस और डेटा एनालाइज पे आप इस बिजनेस को परख सकते हो। अगर फिर भी आपको लॉस खाने का ज़्यादा चस्का है तो आप कर सकते हो, ठीक है दोस्त। सर अपना नंबर शेयर करो। दोस्तों मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता, आप मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मेरी जीमेल आईडी पे अपना मैसेज या कोई भी सजेशन शेयर कर सकते हो, मैं आपको बकायदा उसका पूरा आंसर दूंगा। एक है दक्ष डागा, जिन्होंने लिखा है माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट उबर इज अ फाइन कंपनी फॉर गिविंग गुड इंसेंटिव्स एंड फेयर टू कैब ओनर्स, इज इट ट्रू या फॉल्स? वेल आई एम थिंकिंग डेट आई विल बाई ए न्यू कैब्स एंड अटैच विद दिस कंपनी, विल इट प्रॉफिट या लॉस इन द फ्यूचर, प्लीज गिव मी गाइडेंस। दी दक्ष जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है लॉस के अलावा, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस बिजनेस के अलावा कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करें। सबास मेरे भाई, सोते हुए को मेरे को जगा दिया, आपका शुक्रिया, थैंक्स गणेश जी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट्स हैं, सारे कमेंट्स को मैं शेयर नहीं कर सकता, इसमें बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त मेरे को बैड कमेंट्स कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये सोच लें, एनालाइज कर लें, अगर अगर उनको ये बिजनेस करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन बस मेरा लिए फाइनली एनालाइज है कि वो पहले मार्केट में उतर के देख लें और अपने डेटे को एनालाइज करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।